पहले आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। तो बीजेपी के कैंडिडेट 22 मार्च से नॉमिनेशन करेंगे। सबसे पहले अल्मोड़ा लोकसभा सीट से उम्मीदवार अजय टमटा नामांकन करेंगे। उसके बाद 22 मार्च को हरिद्वार सीट से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वे 26 मार्च को पौड़ी सीट से उम्मीदवार अनिल बलूनी भी नामांकन भरेंगे और उसी दिन 26 मार्च को टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह का भी नामांकन होगा और इसके साथ ही 27 मार्च को नैनीताल लोकसभा सीट से अजय भट्ट का नामांकन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी नामांकन में शामिल होंगे। तो 26 मार्च को अनिल बलूनी नामांकन भरेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम तय कर लिया गया है क्योंकि कल से नामांकन भरे जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल से नामांकन की डेट शुरू हो जाएंगी और 27 मार्च को अजय भट्ट अपना नामांकन भरेंगे। तो 22 मार्च से बीजेपी के उम्मीदवार अपने नामांकन भरेंगे। शुरुआत इसकी कल से ही हो जाएगी, लेकिन 22 मार्च को बीजेपी के उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन भरा जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर पहले ही चरण में चुनाव होना है, तो ऐसे में तैयारी बेहद तेज है। कल से बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। अनिल बलूनी ने रोड शो किया, रैली की और चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। अब कल से नॉमिनेशन फाइल किए जाना भी शुरू हो जाएंगे और इसमें बीजेपी 22 मार्च से अपने प्रत्याशियों का नामांकन भरना शुरू करेगी। 26 मार्च को राज्यलक्ष्मी का नॉमिनेशन होगा। अनिल बलूनी भी 26 मार्च को ही नामांकन भरेंगे।